विनय, मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टीज देखी है लेकिन मुझे मेरा ड्रीम होम नहीं मिल रहा है। आज मिल जाएगा, आखिर हम जो आ गए। आ जाओ। चलो, मुझे पार्किंग कवर्ड चाहिए। कोई बात नहीं मैडम, ये लो कवर्ड कार पार्किंग। मैडम यहाँ से भी तो आ सकते थे, ये है एंट्रेंस। हाँ ठीक है। और ये रहा आपका सपनों का महल, जिसमें मिलती है लिविंग और डाइनिंग स्पेस। नहीं, मुझे क्लोज किचन चाहिए। अरे ये लिविंग डाइनिंग है मैडम, किचन तो उधर है, वो भी क्लोज किचन। पर मेरी तो नानी है। नानी है? नानी नहीं, नानी। उनका रूम कहाँ है? बाजू में। आओ, ये रहा तुम्हारी नानी का रूम। वाओ, विद अटैच्ड बाथरूम। यस। और ये रहा आपका बैकयार्ड, स्पेशियस बैकयार्ड। वेरी स्पेशियस। अभी ये सब तो ठीक है, लेकिन बेडरूम्स कहाँ है? बेडरूम्स अपस्टेयर्स। चलो भैया, अगर तीनों बेडरूम में अटैच्ड वॉशरूम है सिर्फ तभी दिखाना। भैया, अरे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। जी बहन जी, कोई बात नहीं, तीनों अटैच वॉशरूम के साथ है, आ जाओ। इसको किस एंगल से मैं बहन जी लगती हूँ? तो ये रहा बहन जी आपका बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, अटैच बालकनी के साथ। मुझे टेरेस चाहिए। टेरेस चाहिए? ये बेडरूम देख लो, फिर टेरेस भी दिखा दो। अरे भाई, किधर से खुलता है ये पर्दा? यहाँ से, यहाँ से। ओके, हाँ, ये रहा आपका दूसरा बेडरूम। वेरी नाइस। आपका मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम एंड अटैच टेरेस। रहा आपका टेरेस, जहाँ पे आपके बच्चे उड़ाएंगे पतंग। प्रॉपर्टी तो अच्छी है, लेकिन आप मुझे बेंजी बेंजी क्यों बुलाते हो? आप भी तो मुझे भैया बोल रही हो, तो जब ये भैया बोलेगी तो मैं बेंजी तो बोलूंगा ही। पसंद आया तो चेक दे देना। भैया, किसको देना है, क्या करना है? नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पे कांटेक्ट कर लेना। अरे ये पर्दे नहीं कहा।